नमस्ते, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम की मुरब्बा। ये रेसिपी उज्जैन की है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही टेस्टी बनेगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। लच्छे पूरी और पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ मैंने हाफ केजी कैरी ली है, यानी कच्चे आम। पहले आम को अच्छे से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। उसके बाद आम को सबसे पहले छीलना होगा। इस तरह से छील लेंगे। गर्मी का मौसम है, कच्चे आम खूब मिलते हैं और यही समय है कि मुरब्बा बना के रख दीजिए। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, मेरे बचपन में भी मुझे बहुत पसंद था, अभी भी बहुत पसंद है, अभी भी मैं बना के खाती हूँ। पहले बचपन में मम्मी जब भी मुरब्बा बनाती थी तो हम लोग रोटी पराठा के साथ खाते थे और बहुत टेस्टी लगता था खाने में। तो हम भी आज ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं मम्मी की, जिस तरह मम्मी बनाती थी बिल्कुल उसी तरह का रेसिपी आप लोग से हम शेयर कर रहे हैं। तो आम को सारे छील के इस तरह से दो भाग में हम कट कर लिए थे। आपको हम दिखा, एक आम पका हुआ था तो उससे कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, खट्टा मीठा का फ्लेवर आएगा, अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं, उसमें हम सरसों तेल डाले हैं। बहुत सारी रेसिपी आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगी कि इस तरह से करो, इस तरह से बनाओ। तो मेरे टाइम में मेरी मम्मी जब बनाती थी, दादी बनाती थी, तो वही रेसिपी आप लोग से हम शेयर कर रहे हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, एकदम आसान, झटपट बन जाएगी, तो सोचना नहीं है ज़्यादा। बस सरसों तेल डाले हैं, तेज पत्ता डालें और ये लाल मिर्च ये डाल दिए, ठीक है। अच्छे से मिला लेंगे इसको, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत मज़ा आता है खाने में। अलग से हम लोग कटोरी में निकाल के भी चम्मच से खाते थे। तो अब इसमें हम पचफोरना डाले हैं, जो पांच तरह का रहता है फ़ोरन, वो डाले हैं। वो भी मार्केट में आप लोग को इजीली मिल जाता है, उसे बहुत ही अच्छा महक आता है। ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालने से वो खाइएगा तो उसमें आते रहेगा मुँह में तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एकदम आधा चम्मच डालिएगा, ठीक है। धीमी आंच पे इसको पकाइएगा। बस इसी टाइम पे अब हम कच्चे आम को इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब इस टाइम में बहुत कोई बॉईल करते हैं तो बॉईल करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा ये कढ़ाई में ही ये पक जाएगा, सीझ जाएगा एकदम आराम से। आप देखते रहिए किस तरह से हम बना रहे हैं, बहुत ही अलग रेसिपी है ये, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, एकदम झटपट बन जाती है ये रेसिपी। तो मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इसे कच्चे आम को हम डाल दिए थे, उसके बाद हम इसमें चला दिए। और जैसे ही डालेंगे कढ़ाई में, चला के आधा चम्मच स्वाद अनुसार हम नमक डाल दिए हैं, तुरंत डाल देना क्योंकि नमक से ही हमारा गलेगा ना, इसीलिए। और गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिएगा क्योंकि तभी ये पानी छोड़ेगा, नमक डाले हैं हम लोग, तभी ये सीझेगा, ठीक है। हाई फ्लेम मत करिएगा, ठीक है। तो अभी हमारा कढ़ाई गर्म था इसलिए, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। उसके बाद इसे अभी अच्छे से चलाएंगे, ये देखिए हल्का हल्का ये पानी छोड़ रहा है उसमें से। लो फ्लेम बिल्कुल मत करिएगा, इसी तरह पकाना है। आप लोग भी घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, इसी तरह से बनाने का ट्राई करिए, देखिएगा आपको बच्चा लोग को भी बहुत पसंद आएगा। कच्चा आम तो सब ऐसे भी बहुत कोई खाते हैं, काला नमक डाल के, मिर्चाई पाउडर डाल के, तो इस तरह से बनाइएगा, बहुत झटपट बन जाता है। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे, ये देखिए उससे भी ज़्यादा अभी आधा परसेंट ये गल चुका है, देख रहे। अब इसमें एक ऐसा चीज़ हम डाल रहे हैं ना कि आपको यूट्यूब में वीडियो में कहीं बहुत ही कम आपको दिखेगा कि ये चीज़ कोई डाल रहा है, ठीक है। जबकि ये बहुत हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए। तो हम लोग चीनी ज़्यादा यूज करते हैं, चीनी ज़्यादा बल्कि यूज नहीं करना चाहिए, तो चीनी की जगह आप ये गुड़ डालिए। तो बहुत लोग कहेंगे कि चीनी से अच्छा फ्लेवर आता है, गुड़ से अच्छा नहीं, गुड़ से अच्छा फ्लेवर कुछ हो ही नहीं सकता, गुड़ से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
और गुड़ ही डालिए मेरे हिसाब से, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, आपको नुकसान भी नहीं करेगा। तो ये खट्टा मीठा है तो इसमें ज़्यादा गुड़ जाता ही है, तो इसके लिए चीनी भी आप डालोगे तो चीनी भी आपको डबल चाहिए, तो वो खाओगे तो आपको नुकसान करेगा, इसलिए वो सब चीज़ मत किया करो, गुड़ ही डालो। मेरी मम्मी मेरी दादी जब बनाती थी तो गुड़ ही डालती थी, जबकि बहुत टेस्टी लगता था। खीर भी बनती है तो सबको एक चीनी उन्हें डालते, चीनी वाला भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं अच्छा लगता, पर गुड़ वाला भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो सब ट्राई करना चाहिए। तो ज़्यादातर अभी कच्चा आम मिल रहा है, सब बच्चे लोग बोलते हैं कि मुझे ये खाना है, कच्चे आम की मुरब्बा खाना है। तो आप यही ट्राई करो, गुड़ ही डालो, ठीक है। ये देखिए गुड़ से डालने के बाद लो हमारा कम ही रहेगा, ठीक है। हाई बिल्कुल नहीं करना, हाई करोगे तो एकदम कुछ नहीं होगा, गुड़ भी हमारा नहीं पिघलेगा और ना ही कच्चा आम जो वो है तो सीखेगा। देखिए ना उबालना है कच्चे आम को, ना कुछ भी नहीं करना है, लो कम रखिएगा, सब कुछ आपका परफेक्ट बनेगा। ये देखिए आप लोग को लग रहा है सामने से आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा एकदम सीख गया है वो, बहुत टेस्टी लगा था खाने में, बहुत ही लाजवाब था एकदम कच्चे आम के मुरब्बा, मतलब सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है। जो रेसिपी वो लोग जिस तरह से वो लोग बनाती है, मेरी मम्मी दादी, बिल्कुल वही रेसिपी आप लोग को शेयर किए। और हाँ, कच्चे आम को जब आप लोग काटोगे तो ये तो गुठली आता है, तो वो भी डाल दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला टेस्ट में, ठीक है। तो बहुत ही टेस्टी था, बहुत यम्मी लग रहा था खाने में। तो आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।